This video is just to get into the algorithms. If you haven't yet subscribed to our channel, do subscribe us now. We create inspiring content that is creating heaven on planet Earth. So kindly support us and subscribe us now. Thank you. Light. Camera. Action. तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और मेरे सामने है मिस्टर बनी जो आज स्टूडेंट मोर्चा में जाके आए हैं और इन्हें जस्टिस चाहिए तो हमारे माननीय शिक्षक मंत्री है वर्षा जी गायकवाड़ तो उन्होंने 12th के लिए और सिर्फ 12th के स्टूडेंट्स है क्या और हाँ 10th और 12th के लिए ऑफलाइन एग्जाम्स का निर्णय लिया है कि इस साल ऑनलाइन एग्जाम्स नहीं करके हमारे महाराष्ट्र में ऑफलाइन एग्जाम्स कंडक्ट होगी तो इस बात से हमारे जो स्टूडेंट क्राउड है वो एकदम मतलब दुखी है कि भाई कोरोना काल में ऑफलाइन एग्जाम्स कैसे ले लेकिन आज का जो मोर्चा हुआ था उसमें इतने सारे लोग जस्टिस मांग रहे थे तो आज जो मोर्चा के जो मेन बनी भाई साहब है जो 400 लोगों को लेके गए थे सोमया कॉलेज से कोई नहीं आया कोई नहीं आया तो सोमया कॉलेज से कितने आए थे फिर तुम लोग पांच जन तो आज बता सकते कि क्या था आज का तुम लोग का जो स्टूडेंट मोर्चा जो था वो क्या किस बारे में था मेरे को बताओ ऑफलाइन एग्जाम नहीं चाहिए तुम लोगों नहीं एग्जाम होनी चाहिए लेकिन ऑनलाइन कर दो क्या फर्क पड़ता है ऑनलाइन ऑफलाइन में ऑनलाइन ऑफलाइन अगर हम लोग जाने के लिए भी रेडी ऑफलाइन लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रो कि अगर किसी को कुछ हो रहा है तो गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल ओमिक्रॉन चल रहा है तो आज नहीं था ओमिक्रॉन नहीं आज नहीं था आज छुट्टी पे गया था तो इतने सारे लोग आज हम लोग आपको फुटेजेस दिखाएंगे कि देखो स्टूडेंट्स एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि भाई आज की आजकल के जो बच्चे हैं उनके दिमाग में क्या चलते रहता है बस उनको एक टिचकी दो और वो आग की तरह पेट जाते हैं ना इधर का सोचते ना उधर का सोचते अभी बनी जी इफ यू कैन बिलीव दिस तुम लोगों को सिर्फ पढ़ाई ऑफलाइन में तुम लोगों को कॉपी करने मिलता है वो तुम लोगों को मेन वो चीज है और सॉरी ऑनलाइन में तुम लोगों को कॉपी करने मिलता है और ऑफलाइन में तुम कॉपी तो ऑफलाइन में भी कर सकता नहीं कर सकते नहीं कर सकते आपने एग्जाम दिया रहेगा तो आपको पता रहेगा तो फिर क्या क्यों चाहिए मेरे को एक बात बताओ कि क्यों बोला मैंने रीजन क्या ये रीजन है हाँ यही रीजन है आपको अपनी आंखों का पर्दा हटा के देखोगे तो आपको दिखेगा ये पर्दा हटाने को नहीं 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 दिख रहा रीजन तभी देखो ये जो हिंदुस्तानी भाव राइट हिंदुस्तानी भाव सी दिस गाय सी ही हैज अ गुड इन्फ्लुएंस और उसने जो आज स्टूडेंट्स लोग को टिचकी देके जो पेटा है वो क्या लगता है देखो गलत किया है कि बरोबर सही किया है
लेकिन किस बात का जस्टिस चाहिए वो बता मेरे को। चार बार तो बता चुका है इस आदमी को। किस बात का जस्टिस क्या है इसमें? तुम लोग के साथ कुछ गलत नहीं हो रहा है। ऑफलाइन एग्जाम्स सालों से चलते आ रही है और उसके वजह से ऑनलाइन एग्जाम्स के वजह से कौन स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है कौन नहीं कर रहा है ये सब जज कर पाना बहुत ही डिफिकल्ट हो रहा है। सिस्टम का गलती। तो ऐसे इसमें अगर ऑफलाइन एग्जाम्स हो रही है तो जस्टिस का किधर से बात आया इसमें? कि क्या जस्टिस, क्या तुम लोग के साथ ऐसा क्या नाइंसाफी हुई है स्टूडेंट्स के साथ? पढ़ाई ऑनलाइन लिया और एग्जाम ऑफलाइन ले रहे, बहुत बड़ा बस तुम लोग बस कॉपी करके मार्क्स लाने हैं, पढ़ाई मेहनत करना नहीं है, यही है करना है और कुछ नहीं करना है। तो आज का जो मोर्चा था बता ना, आज के मोर्चे में क्या ऐसा तुम लोग ने हासिल किया जाके वहां पे? कुछ नहीं, खाली मोर्चा था। सी इट्स अ वेरी गुड थिंग कि यूथ ऐसे कदम उठा रहा है, इतना जागरूक हो रहा है और इतना मतलब इतना पावरफुल बन रहा है, मोर्चे निकालने के काबिल हो रहा है। लेकिन अच्छे जगह पे करो ना, बहुत सारी चीज़ें हैं भारत में कि जिससे बहुत ही नुकसान हो रहा है, जिसमें ज़रूरत है, जैसे एनवायरनमेंट हुआ, फिर बाद में पोल्यूशन हुआ, पॉपुलेशन हुआ। जो इन्होंने पहना आप भी खरीदो। खरीदो लेकिन ऐसे मोर्चे में क्यों जाने गए ऑफलाइन से? उसमें इसका भी तो मार्केटिंग किया मैंने। किया क्या? ओके चल देखते हैं अभी कितना मार्केटिंग हुआ। लेकिन एक बात मेरे को समझ में नहीं ऐसी, हिंदुस्तान भाव ने आज जो किया जी, ही हैज अ पावर, उनके पास पावर है। एक उन्होंने रील डाली तो इतना सारा यूथ आ गया। लेकिन दोनों साइड सोचना बहुत ही इंपॉर्टेंट है बनी, समझ रहे? हमारे जो बच्चे हैं ये हमारे देश का भविष्य है। अकल के पूरे कच्चे 90% उर्दू में को बता, 90% वाले लोग उधर जो मौजूद थे उन लोगों को पता तो चल रहा था कि उधर हो क्या रहा है। पता तो आ गया उन लोगों कि उधर हो क्या रहा है, कि उधर क्यों आए हैं, कि ये सीन क्या चल रहा है। था पता किसी को नहीं, सिर्फ आगे उठा के। एंड अगेन हिंदुस्तानी भाऊ जी ने जो किया जी, उनको पब्लिसिटी चाहिए, उनको पॉलिटिक्स में उतरना है और उनको ये सब करना है, वेरी गुड। बट देर आर थिंग्स कि तुम अच्छे कामों में बहुत सारे ऐसे अहम अहम मुद्दे हैं कि ही कैन यूज हिज पावर इन दैट। ये नाबालिग बच्चे लोग को सिर्फ एक ऐसा दिशा भूल करके चलो यार मोर्चा निकालते करके, दिस इज नॉट द वे टू डू द राइट थिंग। क्या लगता है देखो कि पढ़ाई ऑनलाइन हुआ तो एग्जाम भी ऑनलाइन ही होना चाहिए ना। लेकिन गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए कि अगर वहाँ पे किसी को भी कुछ भी हुआ तो उन लोग एक्शन लेने के लिए रेडी है। क्या लगता है कि गवर्नमेंट ये सब चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी? नहीं, मेरे को नहीं लगता। उन लोग ने एग्जाम का उन्होंने बोला ओन रिस्क पे आओ, ऐसा बोला। किधर बोला उन लोग ने ऐसा? बोला देख लो न्यूज़ेस वगैरह, उन लोग कहीं भी ऐसा उन्होंने इंक्लूड नहीं किया है कि हम लोग रिस्पांसिबिलिटी ले रहे हैं अगर किसी को कुछ भी हुआ तो। लोग चाहते हैं कि सिर्फ गवर्नमेंट रिस्पांसिबिलिटी ले कि स्टूडेंट्स का, गवर्नमेंट स्कूल्स कुछ भी लाइक ऑनलाइन होना चाहिए। सी ये मेन जो मुद्दा है ना तुम लोग का ऑनलाइन का, मान लो तुम लोग को पढ़ाई नहीं करना है, तुम लोग को कॉपी करके आदत हो गई, समझ लो वही समझ लो। लास्ट के दो तीन साल में जो खैरात में मिला है, हम लोग को पता है कि कितना मेहनत करना पड़ता था। हम लोग को एग्जाम आता था, रात रात भर पढ़ के सब एग्जाम जाना पड़ता था। तो तुम लोग को दो तीन साल में जो मिल रहा है तुम लोग को उसका आदत हो गया है। लेकिन ये आदत के इस पे ही दुनिया नहीं चल सकता ना। तुम लोग का पढ़ाई ऑफलाइन हुआ है, हम लोग का ऑनलाइन हुआ है। दो साल पढ़ो तुम लोग ऑनलाइन और फिर दो एग्जाम, हम लोग ने जैसा पढ़ा है वैसा पढ़ो, डिले कराओ। क्या मतलब ऐसे ऑनलाइन और ऑफलाइन में इतना डिफरेंस क्या है? पढ़ाई में क्या डिफरेंस है इतना? ऑनलाइन में आधे टाइम मैम का आवाज आता है, आधे टाइम नहीं आता है। ओके, नेटवर्क इश्यूज रहते हैं कभी उनके कभी हमारे। तुम लोग के पास सोर्सेस बहुत है ना कि कितने ऑनलाइन यूट्यूब में इतने सारे लेक्चर्स, हम लोग के टाइम पे वो सब नहीं था, समझ रहे क्या? वो सब नहीं था हम लोग के टाइम पे। फिर भी जो आमने सामने वाला जो रहता वो नहीं होता। वो हिंदुस्तानी भाव ने हमारे लिए स्टेप लिया, हम लोग को सपोर्ट किया है। हाँ, क्या 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 स्टेप लिया है? यही मतलब और कोई आ रहा नहीं था आगे। लाइक जब पिछली बार ऐसा हुआ था तब किसी कोई तो भी था, मेरे को नहीं पता उसका नाम क्या था। लाइक वो आगे आया था और उसको अरेस्ट वगैरह किया था। तो उसको वहां तक पहुंचने नहीं दिया था, फिर भी मोर्चा एंड स्टफ हुआ था। ये बार हिंदुस्तानी भाव ने स्टेप लिया हम लोग के लिए। क्या स्टेप लिया सर इसकी? तुम लोग को मोर्चा है तो मेरा सवाल वही है कि अगर उधर कुछ होता था बच्चे लोग को, जैसे ये बच्चे को मारा पुलिस ने, तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा?
सी गवर्नमेंट पे जो भी ऑफिसर्स है ना वो एकदम एक्सपीरियंस है और वो हर चीज का एकदम अच्छे से एनालिसिस करके हर एक स्टेप लेते हैं. अभी उन लोगों ने अगर स्टेप लिया है कि ये ऑफलाइन एग्जाम्स पॉसिबल है तो दैट इज अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि उन लोग का जो टीम है वो काम करने वाला उसके ऊपर उन लोग हर चीज देखते हैं. तो तो पहले बोलना चाहिए, 3 महीने पहले बोलते हैं कि तुम लोग का ऑफलाइन होगा और फिर कॉलेज वाले भी 3 महीने में बोलते हैं कि तुमको सब प्रोजेक्ट देने हैं. एट द एंड ऑफ द डे तेरे को एग्जाम लिखना है राइट. ऑनलाइन में भी तू वही लिखने वाला है और ऑफलाइन में भी तू वही लिखने वाला है. लेकिन समझ रहा क्या तू? लेकिन मेरा पॉइंट वही है कि रिस्पांसिबिलिटी ले रही है गवर्नमेंट तो हम जाने के लिए रेडी. लेकिन ना डेफिनेटली उधर तेरे को क्या लगता है उधर तुम लोग आज तुम लोग जैसा मोर्चे में इतना सब मिलके आए थे वैसे तुम लोगों एक के बाजू में चिपक चिपक के बिठाएंगे तुम लोग एग्जाम हॉल में? डेफिनेटली गवर्नमेंट लेगी. ये सब कॉमन सेंस की बात है. अगर उन लोग ऑफलाइन एग्जाम ले रहे तो उन लोग डेफिनेटली सोशल डिस्टेंसिंग का, सैनिटाइजेशन का, मास्क का, सब चीज का ये हो जाएगा. उसमें स्टूडेंट्स लोग को वरी करने की जरूरत नहीं है. लेकिन पढ़ाई नहीं हुआ है ना किसी का. अरे पढ़ाई हुआ ही नहीं है मतलब तुम लोग ने ऑनलाइन में कॉपी करके ही लिखना है ऐसा ये ठान लिया था कि भाई ऑनलाइन है चलो हम लोग को कॉपी करके आप वो समझ लो अगर आप हमारी जगह पे होते आप दो साल पढ़ते तो अलग बात था. वो समझ नहीं, ये फैक्ट है, ये अभी ये फैक्ट है. और हिंदुस्तान भाव को देख, हिंदुस्तान भाव को एक अच्छा सा एक कारण मिल गया कि चलो मस्त स्टूडेंट्स का सपोर्ट ले लेते. किसी को अरेस्ट होने का शौक नहीं है. अरेस्ट देख, अरेस्ट से पब्लिक की पब्लिसिटी बढ़ जाती. तूने लगे रहो मुन्ना भाई देखा है तो तेरे को पता चलेगा कि जितने बार आदमी अंदर जाता है उतने उसका आप भी हो जाओ अरेस्ट. आपको भी फेमस होना है, हो जाओ अरेस्ट आप भी. मे बी फ्यूचर में हो सकता हूँ लेकिन मैं जिस तरीके से आपको फेमस अभी होना है ना. नहीं मेरा वो फेमस अभी होना तभी हो अरेस्ट. मेरा वे डिफरेंट है, समझ रहे क्या? मेरे को सच का सामना, सच का साथ देके जाना. और जो सच का साथ देके चलता है वो अरेस्ट होने का सोचता भी नहीं है. अभी अभी टॉपिक क्या चल रहा है कि देखो हिंदुस्तान भाई को दिखा कि भाई इसमें पब्लिसिटी हो रही है. स्टूडेंट्स लोग क्या है, स्टूडेंट्स लोग को कुछ अक्कल नहीं है. उन लोग को एक टिचकी दो तो उन लोग फरार हो जाते हैं. 400-500 में आ जाते क्राउड. उन लोग को कॉपी करने के मेन फैक्ट इधर ही है कि भाई उन लोग को यहाँ पे मेहनत नहीं करनी है, पढ़ाई नहीं करना. अभी ठीक है वो एक तुम लोग का भी मान लिया कि भाई तुम लोग रियली कंसर्न हो कोरोना पे. अभी गवर्नमेंट लेगी एक्शंस. गवर्नमेंट एकदम सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करेगी, सब फॉलो करेगी. और मैं तेको ये भी बता रहा हूँ कि एग्जाम्स ऑनलाइन ही होने वाले, ऑफलाइन ही होने वाले. समझ रहे एग्जाम्स ऑफलाइन ही होने वाले, ऑनलाइन नहीं होने वाले. वो तो अभी बात का बात है. तुम लोग का अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है कि ये मोर्चे विर्चे में टाइम वेस्ट करने से अच्छा तुम लोग पढ़ो. समझ रहे आज तू इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर पढ़ता था, दो चैप्टर पढ़ता था, देखो एग्जाम ऑफलाइन एग्जाम के लिए तेरी तैयारी होती थी. आज तू कितना 8-8 घंटा उधर जाके वेस्ट किया. साथ में हजार लोग भी उधर आए थे, सब लोग का 8-8, 7-7 घंटा वेस्ट हुआ उधर जाके. उसमें तुम लोग इकोनॉमिक का एक चैप्टर पहले बोलना पड़ता था, तभी बोलना पड़ता था, अभी बोलना पड़ता था. ये सब एक्सक्यूजेस है, समझ रहे क्या? एट द एंड अगर तुम लोग सच में तुम लोग चाहते हो ना कि कोरोना का ये बहुत टेंशन है, मास्क पहन के जाओ. सिर्फ मास्क से थोड़ी होता है, आपको छोड़ता हूँ, जाओ क्राउडेड एरिया में तो पहनो मास्क और जाओ. कोई एग्जाम हॉल, कोई दुनिया का कोई भी एग्जाम हॉल इतना क्राउडेड नहीं रहेगा कि. लेकिन हमारा कॉलेज दूर है, हमको ट्रेन में ट्रैवल करना पड़ता है. अच्छा ट्रेन के वजह से ट्रेन में ट्रैवल करना पड़ता है. ओ मेन प्रॉब्लम तो यही है, तो इसीलिए तुम लोग ऑनलाइन एग्जाम चाहिए क्या? तो ये एक वैलिड पॉइंट हो सकता है. डिप्रेशन में जा रहे बहुत सारे लोग. इसके वजह से क्या रीजन है डिप्रेशन का? रीजन यही है कि बहुत सारे रिलेशनशिप में फंसे हुए आधे तो बच्चे लोग. वो एकता कपूर ठीक है, हिंदुस्तान भाव ने एकता कपूर के साथ वाला जो सीन क्या है, आई रियली सपोर्ट हिम. एकता कपूर के सीरियल्स जाल्ट बालाजी उल्लू हम लोग भी बचपन से, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, वो सब देख देख के रिलेशनशिप्स के बारे में सीख रहे. हम लोग का नेक्स्ट एपिसोड बाय द वे रिलेशनशिप्स के बारे में होगा. मार्केटिंग चालू करते हैं, प्लीज सब्सक्राइब करो क्योंकि रिलेशनशिप वाला एपिसोड कैसे नाबालिग बच्चे लोग एकता कपूर और ये सब कैसे नाबालिग बच्चे लोग एकता कपूर के सीरियल्स देख देख के रिलेशनशिप्स में जाके डिप्रेशन हो रहे हैं.
अभी तुम लोग का 90% तुम लोग का जो डिप्रेशन और ये एंजाइटी वाला पार्ट है दैट इज ड्यू टू द रिलेशनशिप, क्योंकि तुम लोग बुरी तरह किसी और चीज में फंसे, उसमें एग्जाम्स का और ऑफलाइन ऑनलाइन का कुछ लेना देना नहीं है बॉस. समझ रहे क्या? कुछ लेना देना नहीं है. आपको पता है क्या, ये जगह अपना मेरा नहीं है. हाँ, यहाँ पे हिंदुस्तानी भवन है. लेट्स ब्रिंग हिम. मैं आई वुड लव टू टॉक टू योर हीरो. समझ रहे क्या? मैं मिलना चाहूंगा उनसे, कि पूछना चाहूंगा कि सी स्टूडेंट्स लोग को ये चीज में सपोर्ट करके किसी का कुछ फायदा नहीं है. समझ रहे क्या? इससे कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगे, इससे कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ेंगे. समझ रहे? आज उसने अच्छा काम किया कि स्टूडेंट्स लोग के लिए स्टैंड लिया, लेकिन दिस इज नॉट द राइट रीजन. समझ रहे क्या? कुछ फायदा ही नहीं है इसमें. देर इज नो पॉइंट ऑफ डिस्कशन हियर. ऑफलाइन एग्जाम्स, अभी कोरोना चला गया है, तुम लोग थिएटर्स में जाते हो, मॉल में जाते हो, ट्रेन में इधर उधर घूमते रहते हो, ये करते रहते हो, तब तुमको कोरोना नहीं याद आता है. बस एग्जाम को जाना है तब तुमको कोरोना याद आता है. समझ रहे क्या? हाँ, फक यू. अभी सच सच बातें बाहर आ रही है तो फक यू आ रहा है. सी हिंदुस्तान भाई को फॉलो करो, अच्छी चीजों में फॉलो करो. समझ रहे क्या? एकता कपूर की सीरीज बैन करो, अल्ट बालाजी की सीरीज बैन करो, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, ये जो सोप ऑपरास है टीवी सीरियल पे, वो सब बैन करो. समझ रहे क्या? लेकिन ये दिस इज नॉट द राइट वे. तुम लोग को आगे बढ़ना है, तुम लोग को एजुकेशन चाहिए, और एग्जाम इज द राइट वे. ऑफलाइन में किसी को पता नहीं चलता है. फिर ऐसे बच्चे लोग जो 35% वाले, उनको भी 90% आ जाता है. बोला मैं 35% वाला नहीं हूं. हाँ, मेरे को तो कितना 50 आता है. कितना है? 50 आता है. तो अभी 11th में कितना है तेरे को? 11th में, हाँ बोलना 80. हाँ, कैसे आया वो जाने, पढ़ा था. हाँ, ऑनलाइन था, ऑफलाइन था? ऑनलाइन. चलो ऑफलाइन. एक हम लोग तेरे सामने 11th का तेरा एक पेपर टेस्टिंग करते, कितने आते? चलो एक एक एपिसोड हम लोग बनाएंगे कि जिसमें बनी का ऑफलाइन में मेरे सामने एग्जाम लूंगा. कितना यही है बस, देयर इज नो डिस्कशन. ऑनलाइन एग्जाम नहीं होने वाला है, अभी ऑफलाइन ही होने वाला है. और अभी तेरे को स्क्रोल करके इंस्टाग्राम पे ये कर करके, ये हिंदुस्तान भाई को ये इसमें फॉलो करके नॉट हेल्पिंग. तू तेरा भी टाइम वेस्ट करेगा, तेरे फ्रेंड्स लोग का भी टाइम वेस्ट करेगा, और सारे स्टूडेंट्स लोग का भी टाइम वेस्ट करेगा. तो तेरे स्टूडेंट्स जो फ्रेंड है उनको यही बोल कि भाई चलो पढ़ाई करते हैं, अभी भी टाइम गया नहीं है. 12th ही है, नॉट अ बिग डील. इतना मेहनत नहीं है 12th के इसमें. मैं तेको बता रहा हूँ कि कैसे पढ़ना होता है, कैसे एग्जाम देना होता है, ये सब कर, तैयारी उसमें ही ये कर. समझ रहे क्या? मोर्चे में जाके आज अपना एक कंटेंट, आज अपन एक मस्त रील शूट करते थे, आज अपन मस्त एक एपिसोड चिकन ये शॉर्मा वाला एपिसोड शूट करते थे, लेकिन नहीं कर पाए. क्यों? क्योंकि तूने अपने 8 घंटे वेस्ट किए उधर जाके. मैं वेस्ट ही बोलूंगा, यू हैड फन. पुलिस लोग के पीछे पड़ के, पुलिस लोग का मार खा के, पुलिस लोग को मार के, यू हैड फन. समझ रहे क्या? बट दैट वॉज नॉट द राइट ऑप्टिमम यूज ऑफ योर टाइम. समझ रहे क्या? तेरा टाइम बहुत ही कीमती है. जो भी सब लोग देख रहे हैं, तुम लोग का टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है. और अरे अरे किधर जा रहे हैं? टाइम वेस्ट आपसे बात. हाँ, वेरी नाइस. तो जैसे आए अभी बनी उठ के चला गया और मेरे से टाइम वेस्ट है बोल के, कि मेरे से बात करना टाइम वेस्ट है और पढ़ाई करना ज़्यादा बेटर है. ऐसे ही ये सोशल मीडिया पे जो चल रहा है अभी स्टूडेंट्स को लेके, सी गवर्नमेंट चाहे तो सब स्टेप्स लेंगी और सोशल डिस्टेंसिंग का भी फॉलो करेगी और मेक श्योर करेगी कि स्टूडेंट्स को किसी भी चीज़ का खतरा या डेंजर ना हो ये कोरोना ओमिक्रॉन से. और मेक श्योर करो कि अगर आप स्टूडेंट है या फिर स्टूडेंट के पेरेंट्स है, तो आप ऐसे चीज़ों में स्टूडेंट को ना सपोर्ट करें, क्योंकि देर इज़ नो पॉइंट ऑफ डिस्कशन हियर कि ऑफलाइन या ऑनलाइन. स्टूडेंट्स लोग हर बार मॉल्स में जाते घूमने को, सब जगह घूमने जाते, वहाँ पर उन लोगों कोरोना सोशल डिस्टेंसिंग का कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन एग्जाम के टाइम पे उन लोगों को फर्क पड़ता है. और ऐसे टाइम वेस्ट करते, मोर्चा करते, कंट्री का जो पीस है वो डिस्टर्ब करते हैं. तो दिस इज नॉट द राइट वे. एंड अ मैसेज टू हिंदुस्तानी भाऊ, प्लीज स्टार्ट सपोर्टिंग स्टूडेंट्स इन द राइट वे एंड स्टॉप मिसगाइडिंग स्टूडेंट्स एंड स्टॉप क्रिएटिंग ऑल द हैसल. थैंक यू वेरी मच. और सब्सक्राइब करो चैनल को. चैनल को सब्सक्राइब करो. थैंक यू.